भाई स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी अभी थोड़ी देर पहले उठा था मैं, सुबह के 9 बज रहे हैं, मेज़बानी में आया हूँ, आज घर भी जाना है। तो सुबह सुबह का टाइम था, सोचा थोड़ा टहल लूँ, उसके बाद खाना वाना खाते हैं फिर निकलेंगे। सुबह सुबह टहलना भी ज़रूरी है, तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों नदी दोजाई गाँव की संजय सागर डैम से आती है ये वाली। दोस्तों खाना माना खा के फ्री हो गया हूँ, अब देखते हैं कितनी बजे निकलना होए। हाँ बस से जाना है, चलिए फिर मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको निकलूँगा ना उसी समय। बस का टिकट मिलते हैं आपसे। चल दिया दोस्तों बस में, till I get up, time is barely on our side. दोस्तों ये मेरा टिकट और ये मैं अभी अभी जाके उतरा हूँ, बस वो जा रही है सामने सफ़ेद कलर की। हाँ थोड़ा पदयात्रा मारूँ फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्त आ रहा जरा लेने, देखें कितनी देर में आए, आधे घंटे का बोल रहा है। दोस्तों कभी दोस्तों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं जैसे बस में बैठा था मैंने एक दोस्त को फ़ोन लगा दिया था कि मैं जैसे ही चौराहे पर उतरूँगा तू लेने आ जाना, कभी ना आया नहीं लेने, कहता गाड़ी नहीं है। अब पदयात्रा मार रहा हूँ, ये बाईपास रोड है इंदौर भोपाल, यही पदयात्रा मार रहा हूँ। देखते हैं, एक भला आदमी मिल गया था बीच में, बढ़िया लड़का था, उसने बीच तक छोड़ दिया था, उसको बीच में ही काम था, तो आधी रास्ता तो आ गया हूँ। और देखते हैं अभी और दो चार को फ़ोन लगाऊंगा, आपको ये दिखा दी। चलते हैं क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। रास्ते में कुछ दोस्त तो है नहीं दिखाने को, बीच बीच में कुछ होगा तो आपको दिखाता हूँ, फिलहाल पदयात्रा ही मानूँ। ठीक है इंडियन आर्मी का ट्रक गया दोस्तों, तो अच्छा लगा, आधा घंटा हो गया चल चल के, फिलहाल अभी कोई नहीं आया, दोस्त को फ़ोन लगाया है वो निकलेगा थोड़ी देर से लेने, आधे घंटे की रास्ता है उसके लिए, मेरे लिए तो बहुत टाइम लगेगा। जा रहा हूँ पैदल पैदल धीरे धीरे टुकचुक टुकचुक करता हुआ, मिलता हूँ आपसे रास्ते में। दोस्तों रास्ते में छरछरी मिल गई थी तो सोचा आपको बता दूँ, ये है छरछरी, नॉइस के लिए सॉरी, ये भैंसे नोर रही दिख गई होंगी आपको, ये है छरछरी। छरछरी मतलब छरछरी मतलब दोस्तों जो पानी जैसे नदी रहती ना उसके छोटा वर्जन, मिनी वर्जन, वो ये छरछरी। फिलहाल यही दिखा और भी आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या खास होता है। दोस्तों चल चल के थक गया, थोड़ा रेस्ट कर लूँ तो ऐसी जगह रुका हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए आपको रेल की पटलियाँ दिख रही होंगी। दोस्तों यहाँ का सुना है मैंने कि लोग पाग जो ज़्यादा हालातों से तंग आ जाते हैं वो यहीं सो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। काफ़ी दिन से नहीं सुना ऐसा, उम्मीद है कोई आत्महत्या ना करे, सुन के बेकार लगता हालातों से। तो बस इतनी देर से ये चीज़ दिखी मुझे इंटरेस्टिंग और अब
चलते हैं, मारते हैं दोस्तों फिर से पद यात्रा। आज तो थक गया, मिलता हूँ बीच में आपसे और रास्ते में। ये नजारे बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं ये नजारे। दोस्तों कभी कभार जब बुरा लगे तो खुद से बात कर लेनी चाहिए। अब क्या करूँ, टाइम पास करने के लिए कोई चीज़ है नहीं, खुद से बात करूँ आपको भी बता रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे आगे दोस्तों। लेकिन आज एक बात जरूर सीख ली मैंने, ठीक है, मेरे को लिफ्ट नहीं मिली अभी जब तक, अभी जब से मैं चला हूँ, मतलब जब से अभी तक लिफ्ट तो नहीं मिली है। दोस्त आ रहा है, जब भी वो आए कम से कम घंटा डेढ़ घंटा हो गया चलते चलते। लेकिन कैसे बाय चांस कभी मैं बाइक से जा रहा हूँ या कोई भी साधन से जा रहा हूँ और बाय चांस कोई और ऐसे पैदल जाएगा, तो दिल से बता रहा हूँ आज समझ गया क्या बीतती है, मैं उसको लिफ्ट ज़रूर दूंगा। भाई थोड़ी दूर तक छोड़ूँ लेकिन दूंगा, कम से कम आज पता तो लग गया। लेकिन अब क्या बोलोगे, जिसको पड़ती है वो ही बीतती है, वो कहते हैं ना, मैं ज़रूर दूंगा लिफ्ट भले मुझे नहीं मिली। और ये देखिए बरसात के बाद हाल, मिलता हूँ और आपसे बीच में। दोस्तों मेरे दोस्त आ चुके हैं लेने, ये देखिए, कहने का मारो पढ़ो। दोस्तों जस्ट अभी घर आया हूँ मैं 5:30 बजे, तो बस यही था दोस्तों आज के ब्लॉग में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।